गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सेमिस्टर 2 पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 3 का जो टॉपिक है टीचर की एक्टिवनेस, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी का अगला हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर या इफेक्टिव टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के संदर्भ में या भारत में प्रभावी शिक्षक या एक उत्तम शिक्षक किसको कहते हैं, उसका क्या गुण होता है, वो कौन सी विशेषता होती है, खासियत होती है भारतीय शिक्षक में जो उसे एक आदर्श आइडियल टीचर बनाता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें के माध्यम से हम जानेंगे कि इफेक्टिव टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अर्थात भारतीय संदर्भ में एक प्रभावशाली शिक्षक किसको कहते हैं। तो इसके लिए आते हैं, सबसे पहले तो ये जान ले कि भारत को विश्व गुरु कहते हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही गुरुओं का सम्मान किया जाता है। जब हम प्राचीनकालीन शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि पहले बच्चे क्या होते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ गुरु के अंदर दिन रात मेहनत करते हुए सीखते थे, पढ़ते थे, सभी तरह के ज्ञान ग्रहण करते थे और योग्य और सबल इंसान बनकर आते थे। और प्राचीन काल में जो गुरु थे वो शिष्य के लिए कहते हैं भगवान के समान था, भगवान से भी ज्यादा सम्मान शिक्षक को दिया जाता था। तो भारतीय परंपरा में आज भी शिक्षकों की स्थिति वही है, आज भी बच्चे अपने शिक्षकों को सम्मान देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें उनकी बातों को मानते हैं। अभी भी गुरु की महिमा गान किया जाता है और बालक स्टूडेंट अपने गुरु को अपने पिता के समान मानते हैं और उनकी हर एक बात को सुनते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो शिक्षक है, जो गुरु है, वे भी आदर्शवादी बने, उनमें वो सारे गुण हो, क्वालिटी हो, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चे उनसे प्रभावित हो, उनको सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे, उनकी बातों करे, उनके बातों का अनुकूलन करे, फॉलो करे। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों में भी कुछ महत्वपूर्ण गुण विशेषता होनी चाहिए जिससे वे क्या कर सकते हैं, बच्चों के मन में अपने प्रति श्रद्धा प्रेम स्नेह उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक उत्तम शिक्षक, एक प्रभावी शिक्षक, योग्य शिक्षक में क्या गुण होते हैं जिससे हम मान सकते हैं कि वो एक आदर्श शिक्षक है। और शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों का आदर्शवादी होना, योग्य होना, प्रभावशाली होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये आपके ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि शिक्षक में वो क्षमता ही, एबिलिटी ही नहीं होगी, योग्यता ही नहीं होगी, वो कैसे इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है, अपना प्रभाव बालकों पर छोड़ सकता है, बालकों को योग्य बना सकता है। क्योंकि बच्चे आज भी अपने शिक्षकों का अनुकूलन करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। यदि शिक्षक बेहतर होगा, योग्य होगा, सक्षम होगा, तो आज भी बालक उन्हें सम्मान, प्यार और पिता की तरह जो आदर होता है वो देते हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि आप भी शिक्षक बनने वाले हैं तो आप में भी ये सारा गुण होना चाहिए। तो उस प्रस्पेक्टिव में खुद को रख के भी इस चीज को देखेंगे और ये सारे गुण डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड या इफेक्टिव टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें सबसे पहला जो एक शिक्षक में, योग्य शिक्षक में, प्रभावशाली शिक्षक में गुण होना चाहिए वो है बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। शिक्षक को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे अपने विषय पर फुल कमांड होना चाहिए, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षक अपने विषय का बेहतर ज्ञाता ना हो, ज्ञान ना हो, तो वो दूसरे को, अपने स्टूडेंट को क्या देगा। इसलिए एक सफल शिक्षक, एक योग्य शिक्षक, आदर्श शिक्षक वही कहलाएगा जो जिसमें शिक्षण करने के लिए उसका अपने विषय का खुद का ज्ञान क्या होना चाहिए,
वो गहरा होना चाहिए, उसको अपने विषय पर पूर्ण कमांड होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये शिक्षक का सबसे परम आवश्यक गुण माना जाता है। इस शिक्षकों को क्या होना चाहिए, अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को, जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इसके बाद शिक्षकों को ना केवल अपने विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ में उसे क्या होना चाहिए, अन्य विषयों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार समय जरूरत पड़ने पर वो बच्चों को और भी जो विषय है, और भी जो क्वेश्चन है, जो समस्या है, उसको हल करने में वो सक्षम हो सके। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक को सामान्य प्रत्येक चीज की जानकारी, ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का टीचर है तो उसे हिंदी नहीं पूछा जा सकता है, इतिहास का टीचर है तो उसे विज्ञान नहीं पूछा जा सकता है। यानी बेसिक नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को पूरी कमांड के साथ इफेक्टिव ढंग से टीचिंग कर सकता है। तो टीचर को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए सभी विषयों का। नेक्स्ट है टीचिंग कॉम्पिटेंसी, शिक्षण सामर्थ्य। शिक्षक में शिक्षण करने का सामर्थ्य होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत वो सारी चीजें हो जाएगी जो टीचर को इस्तेमाल करते हैं बेहतर ढंग से टीचिंग करने के लिए। इसके अंतर्गत हम उसमें टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, एक बेहतर टीचिंग स्किल होना चाहिए, उसे TLM का इस्तेमाल करने आना चाहिए, उसे बेहतर ढंग से अपने मेथड को, करेक्ट मेथड को चूज करना चाहिए, क्लासरूम में टीचिंग कार्य को बेहतर ढंग से संपादित करनी चाहिए। ये सारी उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्लास के इन्वायरमेंट, अनुशासन, बच्चों की आवश्यकता, हम किस तरह विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं, क्लास का माहौल कैसा डेवलप कर देते हैं, ये टीचर की कॉम्पिटेंसी पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्लास में टीचिंग करता है। उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना योग्य होना चाहिए कि वो आसानी से टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को समझा सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी और मनोविज्ञान दोनों होगा, अर्थात कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक जो अपने छात्र को पढ़ाता है तो उस छात्र की क्या योग्यता है, वो उसका क्या व्यवहार है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, ये सारी चीज को जांचने का क्षमता, वो पारखी नजर एक टीचर में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक टीचर बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, उसकी कमियों खूबियों, उसकी जरूरत, उसकी समस्याओं को नहीं समझेगा, तब तक वो उसको हल नहीं कर पाएगा, सही दिशा निर्देशन नहीं कर पाएगा। और उस पर उसके लिए एक जो होना चाहिए प्रभावी शिक्षण, वो माहौल नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक में क्या हो, चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो चाइल्ड को, स्टूडेंट को बेहतर ढंग से टीच कर सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग। शिक्षक जो क्लास में टीच करता है तो उसके लिए शिक्षण के सारे सिद्धांत, उसके सूत्र, स्किल, टेक्निक, सबकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह वो कठिन से कठिन टॉपिक को भी सरल तरीके से कक्षा में हल कर सके। बच्चों की हर तरह की जो समस्या है, विषयात्मक या और भी कई तरह की उसकी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको डील करने में टीचर को डील करने आना चाहिए। इसके लिए शिक्षक में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों की समस्या को समझे, सही ढंग से उसको समझकर उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए टीचर को भी सभी तरह के जो सिद्धांत है, नियम है, तरीके हैं, उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट रिसर्च एटीट्यूड। एक बेहतर टीचर वही हो सकता है जिसमें अनुसंधान की प्रवृत्ति हो, अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति होना, खोजी दिमाग होना चाहिए।
क्या शिक्षण के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान हो रहे हैं, क्योंकि आधुनिक समय में शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य वो तेजी से क्या होता है, बदलते जा रहा है, हर दिन नए तरह के समस्या आ रही है, उसको समाधान करने के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, तो शिक्षकों को उन सारी रिसर्च, उन सारी जानकारियों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी उसकी मदद से वो आने वाले नए नए समस्या को, परिवर्तन को सही ढंग से समझते हुए बच्चों को सही दिशा निर्देशन करेगा, उसकी समस्या को हल करने में वो सक्षम हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स में क्या हो, रिसर्च का एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट कह सकते हैं कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। शिक्षक का चरित्र क्या होना चाहिए, उत्तम चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम मानव को के बच्चे को एक बेहतर मानव बनाते हैं। ये अन्य सभी प्रोफेशन से अलग है और इसमें शिक्षक की नैतिकता, उसकी योग्यता, उसका चरित्र बहुत ही मायने रखता है। कहते हैं कि एक शिक्षक कभी भी बुरा इंसान, बुरा चरित्र का नहीं हो सकता है, और शिक्षक यदि बुरा चरित्र का होगा तो वो पूरा समाज क्या हो जाएगा, बुरा समाज बन जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो अपने शिक्षकों के ही गुण व्यवहार, उसके विचार का अनुकूलन करते हैं, और यदि शिक्षक में किसी तरह की कमियां होगी, बुराई होगी, यदि उसका चरित्र बेहतर नहीं होगा, उसमें कमियां होगी, वो एक कदाचारी होगा, व्यभिचारी होगा, तो उसका प्रभाव सीधे छात्रों पर पड़ेगा। कहते हैं कि डॉक्टर, वकील या समाज के और भी जितने पेशे हैं, प्रोफेशन है, उसमें कार्यरत व्यक्ति भले चरित्रहीन भी हो जाए, उसका कैरेक्टर बुरा हो तो भी चल सकता है, लेकिन एक शिक्षक का चरित्र बहुत उत्तम होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का निर्माता है। समाज में जो भी परिवर्तन होंगे उसका श्रेय शिक्षक को जाएगा, और यदि समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, समाज को समृद्ध बनाना है, योग्य बनाना है, एक बेहतर एक सभ्यता का निर्माण करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक का चरित्र क्या हो, वो चरित्रवान हो, उत्तम चरित्र का हो, क्योंकि उसका सीधे प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। शिक्षक की जो पर्सनालिटी होती है वो उसका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। शिक्षक को उसका पहनावा, उसका बोली, उसका विचार, उसका व्यक्तित्व सब क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का व्यक्तित्व जितना उत्तम होगा, बेहतर होगा, उसका सीधे प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसलिए इस टीचर को स्वस्थ होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, उसे बच्चों में पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, सामान्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा के कुछ बच्चों को वो बहुत प्यार करे, ज्यादा प्यार करे, उनकी समस्या को हल करे, कक्षा के बाकी जो बच्चे हैं, विशेषकर जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो बच्चे जिनको कुछ आवश्यकता हो, समस्याग्रस्त बालक हो, उन बच्चों की समस्या को भी ना सुनना, उसको इग्नोर करना, ये एक बेहतर शिक्षक का गुण नहीं हो सकता। बेहतर योग्य शिक्षक वही होगा जो कक्षा में सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करेगा, अपने बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखेगा, किसी से किसी तरह का भेदभाव किए सभी बच्चों के सामान्य रूप से समान अवसर देते हुए उनके विकास में वो क्या करेगा, सहयोग करेगा। विशेषकर क्लास के जो कमजोर बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, जिन्हें विशेष केयर की जरूरत है, विशेष अटेंशन की जरूरत है, टीचर को क्या चाहिए, एक योग्य टीचर वही होगा जो उन बच्चों की समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहेगा, और क्लास का जो माहौल है
वो सभी के लिए एक जैसा पॉजिटिव इक्वल रहेगा, जिससे कक्षा का जो एक बेहतर फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, वो क्षमता एक शिक्षक में होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब टीचर का अपना व्यक्तित्व क्या हो, बेहतर हो, और वो सभी बालकों को एक समान नजर से देखे, सभी बालकों को एक जैसा करे, सबके विकास के लिए सोचे, सभी बच्चों को योग्य बनाने के लिए वो प्रयास करते। तो ये हुए शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के गुण। तो हमारे भारतीय समाज में शिक्षक आज भी को माता पिता पूरा समाज सम्मान देता है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक भी क्या करे, उसके चरित्र में ये भी होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के जो गार्जियन है, कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, उन सबसे भी टच में रहे और उनका भी सहयोग ले, बालक के विकास के लिए जो आवश्यक माहौल होगा, जो बेहतर इन्वायरमेंट होगा, उसको बनाने में, क्रिएट करने में वो विद्यालय से बाहर के समुदाय, परिवार, समाज सबकी मदद ले और सबके सहयोग से बालक को बेहतर बनाने में, क्लास को इफेक्टिव बनाने में, इफेक्टिव टीचिंग में करने में वो क्या करे, अपना 100% दे, सहयोग दे, जिससे क्या होगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा। क्योंकि यही बालक जो आज कक्षा में होते हैं, यही निकल कर कल क्या जाएंगे, समाज में जाएंगे। तो हमारे बालक जैसे होंगे, वैसा ही आगे चलकर हमारा समाज भी बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक क्या करे, योग्य हो, वो आदर्शवादी हो, उसका बेहतर चरित्र हो, उसमें विषयों का ज्ञान हो, बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान हो, बालक के साथ वो सहानुभूतिपूर्ण, उदारतापूर्ण व्यवहार करे और छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, तब जाके एक योग्य बालक का निर्माण होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें। थैंक यू।